जय मसीह की मेरे भाई और बहनों, मैं बहुत खुश हूँ आज कि आज हम आपके साथ फिर से हम बात कर रहे हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। आप सब कुछ खुश, सब लोग खुश हैं, मैं जाना ये समझता हूँ, क्योंकि प्रभु का वचन जो है हमारे दिल में आता है तो हमें हमारे जीवन में नया नया जीवन उत्पन्न करता है, नया हमें एक नया सृष्टि बनाता है, हमें नया नया बनाता है पूरी तरह से। हालेलुया। आज वचन पढ़ते हैं रोमियो की किताब में 10वां अध्याय 8 से 9 और 10, ये तीन वचन पढ़ते हैं। रोमियो के 10वां अध्याय 8वां वचन से पढ़ते हैं, परंतु वह क्या कहती है, यह है कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है और तेरे मन में है, यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने हमें उसे मेरे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर वचन कहता है कि तुम जब परमेश्वर को वचन कहाँ पर है, निकट है, कहाँ पर निकट है, आपके दिल में है, आपके मुंह जबान में है, आपके मुंह में है, आपको उसको दिल में विश्वास करना है और मुंह से जबान से बोलना है। क्या बोलना है? कि परमेश्वर यीशु मसीह जो है तुम्हारा मसीह है, वो दिल से विश्वास करते हैं और जब मुंह से जबान से बोलते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह जो है हमारा मसीह है वो और हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। ये जब बात अब पढ़ते हैं, जब नवा वाक्य कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने मेरे मरे हुए से उसको जी लाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तू ये विश्वास करेगा कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुए से उठाया। अगर ये तुम विश्वास करोगे और तुम दिल से कहोगे, जबान से कहोगे कि वो हमारा मसीह है और उसको परमेश्वर ने उठाया, कहां से? तीसरे दिन कब्र से उठाया मरने के बाद। हालेलुया। जब ये विश्वास तुम करोगे तो तुम्हें उद्धार मिलता है, तुम बच जाते हो, तुम शैतान के हाथों से बच जाते हो, पापों से छुटकारा मिलता है और शैतान के हाथों से बच जाते हो, क्योंकि जब तुम उसको स्वीकार करते हो, अंगीकार करते हो कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए उस पाप, तुम्हारे पापों के लिए परमेश्वर को उसको उस पर मार कर और वो तीसरा दिन उसको उठाया परमेश्वर ने यीशु को, तो ये जब तुम विश्वास करते हो, तुम इसको अंगीकार करते हो, ये दिल में मानते हो और जबान से कहते हो, जब ये तुम करते हो तो तुम्हारा उद्धार होता है, तुम्हें नया जीवन मिलता है। हालेलुया। ये जीवन जो है आपके दिल में आता है जब तुम्हें विश्वास करते हो, जब ये अंगीकार होता है, अंगीकार करते हो, ये अनुग्रह जो है आपके अंदर आता है जब तुम्हें विश्वास करके आप जबान से जब तुम कहोगे। यही बात है हमारे अंदर। ये परमेश्वर का वचन कहता है, आठवां वाक्य कहता है कि परमेश्वर का वचन जो है तुम्हारे पास है, तुम्हारे दिल में है, तुम्हारे जबान में है, वो निकट है तुम्हारे पास, तुम्हें उसको स्वीकार करना है और उसको बोलना जरूरी है। हालेलुया। बोलने से क्या होता है? तुम उद्धार पाते हो, तुम हर एक परिस्थिति से तुम बच जाते हो, शैतान के हाथों से बचते हो और पापों से भी तुम्हें मुक्ति मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ए परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ कि तुम हमें अपने लौते पुत्र को देकर उसको क्रूस पर मारकर और मरने के बाद तीसरे दिन तुमने उसे उठाया। उठाने से हमें तूने नया जीवन दिया, उद्धार लाया हमारे जीवन में, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जो भाई आज ये वचन को सुनता है और सुनने से इसको परमेश्वर को अंगीकार करता है कि तू यीशु, तू मरे हुए से उठा है, तू और तू जीवित है, हमारे बीच में है, ये विश्वास करके जबान से जब वो भाई और बहन जो बोलती है वो बोले कि तो भाई इनका जीवन में उद्धार लाने के लिए परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर तू महान परमेश्वर है, तू जीवित परमेश्वर है, हमारे जीवन में तू काम करता है। हालेलुया। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं, मांगते हैं पिता परमेश्वर से। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जी।